बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मिस्टर और मिसेस ख़ान के किचन में एक और अच्छी रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी बिरयानी। उसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आपके सामने हैं, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास 1 किलो चावल हैं जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए हैं। 4 अदद मैंने लिए हैं प्याज, 1 मैंने लिए लेमन, 4 अदद मैंने लिए हैं टमाटर, 6 अदद मैंने लिए हैं आलू, 5 अदद मेरे पास हैं हरी मिर्चें, 6 से 8 जगह हैं मेरे पास लहसुन, 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है जिंजर का। यहाँ पर आलू बुखारों में है 6 से 8 अदद मैंने लिए हैं आलू बुखारे, 1 टेबलस्पून ज़ीरा साबुत, और स्टार अनीस है मेरे पास, बादियान के फूल 2 2 मैंने लिए हैं बे लीव्स। यहाँ पर है 1 टीस्पून मैंने लिया हुआ है काली मिर्च, 2 से 3 इंच का मैंने टुकड़ा लिए हुए यहाँ पर सिनेमन स्टिक, दालचीनी, और यहाँ पर है 6 से 7 अदद लौंग, 4 5 मैंने लिए हैं इलायची हरी वाली, और 2 मैंने ली है मोटी इलायची। चिकन मेरे पास है 500 ग्राम, हरा धनिया 1 बुंज की तरह, आधा बुंज ये हरा धनिया है, इसी तरह मैंने थोड़ा सा लिया है पुदीना, ये है जायफल जावित्री मैंने 1 टी हाफ़ अ टी स्पून लिया हुआ है, 1 टी स्पून है यहाँ पर पपरिका, 1/4 टी स्पून है यहाँ पर हल्दी, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 कप के करीब मैंने लिया है दही, कुकिंग ऑयल 1 कप डालेंगे, विनेगर हम चावल बॉईल करने के दौरान डालेंगे, और यहाँ है फूड कलर। आइए स्टार्ट करते हैं, आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल, और यहाँ मैंने पानी रखा हुआ है चावल को बॉईल करने के लिए, उसमें तो यहाँ मैंने डाल दिया 1 कप कुकिंग ऑयल, और साथ ही साथ मैं तैयारियाँ कर रही हूँ पूरा, क्योंकि इसमें प्रोसीजर थोड़ा लंबा है बनाने का। तो यहाँ पानी रखा हुआ है चावल को बॉईल करने के लिए, इसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और यहाँ पर मैं बॉईल करूँगी आलू। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आलू से, आलू मैं इसमें डालूँगी क्योंकि आलूओं को यहाँ अलग से बॉईल करना पड़ता है सिंधी बिरयानी में, और साथ इसमें मैं डाल दूँगी फूड कलर जो मैंने आपको बताया था, और नमक, नमक बस अपने अंदाज़े से डाल दीजिए, बस मैं इतना डाल रही हूँ, और इसमें 2 टेबलस्पून डालूँगी चावल में, और फूड कलर यहाँ मैं डाल रही हूँ आलू के अंदर। इतना मैं फूड कलर डाल रही हूँ ताकि आलू में कलर आ जाए। और दूसरी साइड मैंने तेल रखा हुआ है जिसमें अभी जाएगा प्याज, जो 4 मैंने रखे हुए थे प्याज वो जा रहे हैं इसमें। चूल्हा करते हैं ऑन, अब प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। और साथ ही साथ मैं अदरक और लहसुन जो मैंने आपको बताई थी वो पीस लूँगी, टमाटर भी काट लेंगे। प्याज हल्के ब्राउन होने के बाद फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें डाल रही हूँ। यहाँ पर पानी बॉयल हो रहा है चावलों का, और आलू देख लीजिए कि ये अभी इसमें कलर, जैसे ये बॉयल होंगे इनको मैं बॉयल के बाद 4 मिनट के लिए पकाऊंगी, आधे हाफ कुक करूंगी इनको मैं। जिंजर गार्लिक को अभी मैं पीस लूंगी, मैं तैयारी कर रही हूँ, टमाटर काट रही हूँ, ये जब हम ऊपर सिंधी बिरयानी को जब दम देंगे ये उसके लिए मैं काट रही हूँ, और इसी तरह मैं लेमन को भी काट दूंगी। ये 1 टमाटर मेरे लिए काफ़ी है क्योंकि मेरे पास चिकन कम है, 500 ग्राम है, इसीलिए ये 1 काफ़ी है, और इसी तरह लेमन के भी मैं स्लाइसेस कर दूंगी, ये भी ऊपर हम डालेंगे।
इसको फेंक देंगे बस ये। और ये वाले बाकी के टमाटर मैं डाल दूंगी हांडी में, और जो मिर्चे हैं इनको इस तरह बीच में से काटेंगे। इस तरह चीर देंगे क्योंकि ये फ्रोज़न चिलीज़ हैं तो ये नरम हो गई हैं अभी थोड़ी सी। बाकी के सारे भी मैं इस तरह कर लूँगी। माशाल्लाह मेरे प्याज अभी ब्राउन हो रहे हैं, लेकिन इनको मैं थोड़े से और ब्राउन करूँगी। और इधर पानी में बॉईल आ चुका है, इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब सिरका, और अभी इसमें मैं चावल शामिल कर दूँगी। अब मैं ये चावल इसमें शामिल कर दूँगी, 1 गन्नी के चावल मैं बना लूँगी, मैं आपको बताती हूँ फिर हमें इसे छान के। प्याज माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अभी इसमें से आधे क्वांटिटी के प्याज मैं निकाल लूँगी जो कि हम डालेंगे चावल के ऊपर, और बाकी में मैं शामिल कर दूँगी मेरी जिंजर गार्लिक और साथ ही मैं चिकन शामिल कर दूँगी। इन्हें करते हैं मिक्स, और इसी के साथ मैं चिकन शामिल कर दूंगी। इसमें हम अभी इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे। माशाल्लाह मेरा जो चिकन है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैं ये साबुत खड़े मसाले शामिल कर दूंगी जो मैंने आपको बता दिए कितनी क्वांटिटी में जा रहा है, और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी ये मसाले पिसे हुए सारे, और ये जो मैंने आपको बताए थे कि मैं टमाटर इसमें डालूंगी, ये वाले टमाटर, और इसी के साथ फिर मैं शामिल करूंगी इनको, थोड़ा करते हैं मिक्स, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी दही। देखें अभी इसमें टमाटर गले नहीं है और कलर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ चावल पे अभी बॉईल नहीं आया, आने वाला है। गाइस आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर, जो भी मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, आप सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह मेरे चैनल को देखिए, आगे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए मेरी वीडियोस, अगर आपको पसंद आती हैं तो। बस आपके प्यार का ढेर सारा शुक्रिया मैं आपको अदा नहीं कर सकती, किस अल्फाज में मैं आपको बताऊं। देखिए मेरे चावल इस तरह आधी, ये अभी देखें आराम से टूट रहे हैं, तो अभी मैं इनको छान लूँगी। चिकन मेरा माशाल्लाह भुन रहा है, अब इस स्टेज पे मैं इसमें टमाटर शामिल, ये दही जो मैंने आपको 1 कप बताया था ये इसमें मैं शामिल कर दूंगी, जिसे हम अच्छे से चलाएंगे। तकरीबन 5-10 मिनट में इसको दम पे रखूंगी। अभी थोड़ा सा इसको मिक्स करती हूँ क्योंकि दही डालने के साथ थोड़ा इसकी जो हीट थी वो कम हो गई है, इस पर बॉयल आएगा तो फिर मैं इसे स्टीम पे रख दूँगी 5-10 मिनट। अब माशाल्लाह ये 5 मिनट के बाद मैंने इसका स्टीम हटाया है, तो देखिए अब इसमें मैं ये जो हमने आलू बॉईल करके रखे हुए थे वो इसमें मिक्स कर दूंगी ताकि आलू के अंदर भी मसाला चला जाए। बिस्मिल्लाह, चिकन हमारी पक चुकी है माशाल्लाह, अभी हम इनकी लेयरिंग करके आपको बताएंगे। मैं इस हांडी में नहीं करूंगी, कढ़ाई में मेरे पास जिस हांडी में मैंने चावल रखे हुए थे वो ले लूंगी। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी ये जो हमारा थोड़ी सी तरी है वो शामिल करूंगी,
अब इसके ऊपर मैं डालूंगी चावल जो कि हम बॉईल कर चुके हैं। मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी हो रही है काम करते हुए। यहाँ पर सेकंड लेयर इसकी लगाऊंगी यहाँ पर इस तरह इसके ऊपर। फिर हम जो हमारे टमाटर हरी मिर्चें और सारा जो था वो फिर इसमें हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ इसमें शामिल कर रही हूँ जो हमने मिर्चें काटी हुई थी वो। टमाटर इस तरह इसके ऊपर रख दूंगी यहाँ पर इस तरह। और ये जो हमने लेमन काटे हुए थे वो इसके ऊपर मैं इस तरह चारों तरफ रख दूंगी। और इसके ऊपर फिर अब मैं चावल डालूंगी। अब थोड़ा सा जो धनिया था वो थोड़ा ही थोड़ा सारा डालेंगे। और जो हमने मिंट रखी हुई थी वो थोड़ा थोड़ी सी पत्तियां मिंट की हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी जो प्याज हमने सुनहरी ब्राउन की थी वो ऊपर जाएगी। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चावल। थोड़े से मैं और बचा के रखे क्योंकि ये एक लेयर और इससे बनती है और हम बनाएंगे इस तरह फैला दें चावलों को। अब सेम प्रोसीजर अगेन, ये जो बकाया मसाला है वो जाएगा इसके ऊपर। हम डाल देंगे सारा मसाला इस तरह। अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया क्योंकि ये आखिरी लेयर है। अब यहां मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर लास्ट जो थोड़े से हमने चावल बचा के रखे थे वो। डालने के साथ ही इस तरह फैला दे चावलों को। अब ये मैंने तवा नीचे रखा हुआ है, तवा हमारा गर्म है, इसे मैं 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाऊंगी ताकि इसमें स्टीम बन जाए और फिर हम इसकी आंच हल्की करेंगे और फिर 15 से 20 मिनट इनको देखेंगे। ये गया धनिया। सिंधी बिरयानी में बस यही होता है कि इसमें ये जो साबुत चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा डलती हैं। और जो हमने प्याज आखिरी लेयर पे, अब ये भी शामिल हो जाएंगे इसके अंदर। थोड़ा अभी मैं डालूंगी इसमें फूड कलर। मैं ले रही हूँ पाउडर थोड़ा थोड़ा बस छिड़कते हैं ऊपर से क्योंकि इस तरह। और अभी हम इसे रख देंगे दम पर। और यहाँ मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल गरम किया है। अब इसको मैं इसके ऊपर इस तरह डाल दूँगी। अब ये जा रहे हैं दम पर। दम करने के लिए मैंने एक लिया है कपड़ा यहाँ पर, इसे मैं रखूंगी इसके ऊपर ताकि इसमें स्टीम बन जाए चावलों की। और यहाँ गया इसका ढकना। और अभी इसे हम रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट ये 5 मिनट हाई हीट एंड देन फिर मैं इसकी स्टीम हल्की आंच हल्की कर दूंगी।
यहाँ पर मैंने जो आपको नटमेग और मेज़ बताया हुआ था, जायफल जावित्री, वो मैं बताना भूल गई, वो अभी इसमें मैं शामिल करूँगी। अब ये जा रहा है जी धम पर, बिस्मिल्लाह। ये देखते हैं हमारे चावल कहाँ तक पहुँचे हैं। बिस्मिल्लाह, इसका स्टीम दम मैं खोल रही हूँ। अब मैं इसको प्लेट में निकाल के आपको बताती हूँ। माशाल्लाह, खुशबू बड़ी ही प्यारी है। चावल माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले तैयार हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और मुझे बताइए कि आपकी ये सिंधी बिरयानी कैसी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सिंधी बिरयानी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं अब लूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।